आप सुन रहे हैं लोटस एफएम हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं युगल सिन्हा लिखित रहस्य रोमांच खून आसुरी शक्तियों की अविश्वसनीय दुनिया। मगर कातिल कौन? रक्त पिपासा। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सुने और सुनाए लोटस एफएम हिंदी कहानियां। काली अंधियारी रोंगटे खड़े कर देने वाली अमावस की रात में शहर से गांव की ओर आती हुई लंबी सुनसान सड़क पर करीब 11 बजे गढ़वा गांव के पास सन्नाटे को चीरती हुई एक पुलिसिया जीप तेज ची ची सी सी चीरती आवाज के साथ आकर रुकी। वातावरण में व्याप्त शांति भंग होने से उल्लू और चमगादड़ों के झुंड सतर्क हो गए। अपनी आवाज और तेज फरफराहट के साथ आसपास के वृक्षों पर बने बसेरा से निकलकर तेजी से किसी और वृक्ष का आसरा लेने उड़ चले। आवारा कुत्ते और सियारों ने जोर जोर से आवाज लगाकर अपने होने का एहसास दिलाने लगे। सड़क के दाएं तरफ बड़े छोटे कई गांव बसे हुए थे और बाईं ओर पहाड़ों और पत्थरों के बीच घने ऊंचे ऊंचे दैत्यों के समान जंगल का सिलसिला था। अचानक ब्रेक लगने से बगल के सीट पर सो रहे थाना इंचार्ज अमर सिंह झटके की वजह से आगे की ओर डैशबोर्ड से टकरा गए और घबराई हुई दबी आवाज में गाड़ी चलाते हुए अपने एएसआई पंडित शिव प्रसाद पर चिल्लाया, अरे क्या हुआ? अरे मेरी जान लोगे क्या? सॉरी सर, पर क्या करें, जीप मजबूरन रोकना पड़ा क्योंकि अभी अभी एक मोटी बड़ी सी भयानक आंखों वाली काली बिल्ली रास्ता काटकर सड़क पार की है। कहते हैं थोड़ी देर रुककर जाने से होने वाली अनहोनी घटना टल जाती है। अरे क्या यार पंडित, तुम लोगों की यही समस्या है। आज दुनिया चांद पर जा रही है और तुम चुपचाप से गाड़ी चलाओ, कुछ नहीं होने का। पंडित शिव प्रसाद अपने सीनियर का आदेश टाल नहीं सका, न चाहते हुए भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनायास ही उसके मन में एक अनहोनी आशंका का ख्याल घर कर गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक बार फिर जीप जोर से ब्रेक लगने के कारण रुक गई। पंडित शिव प्रसाद के हाथ कांप रहे थे, बदन में छुरछुरी सी हो रही थी। बस वो एक टक सामने देख रहा था, एक आकृति हवा में तैरती हुई जंगल की ओर से गांव के तरफ सड़क पार कर रही थी। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डरते हुए अमर सिंह से पूछा, सर सर जो मैंने देखा क्या आपने भी देखा? अरे यार पंडित, तुम डरते बहुत हो और मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हो। हाँ मैंने भी देखा, मगर ये हम लोगों के आंखों के भ्रम के सिवा और कुछ भी नहीं है। अरे भाई तुम गाड़ी चलाओ। जीप आगे जाकर गढ़वा और सुपहा गांव के बीच एक बार फिर रुक गई। अमर सिंह पूरी तरह से झुंझलाते हुए पूछा, अबे पंडित अब क्या हुआ? सॉरी सर, दरअसल काफी देर से पेशाब रोक कर रखा था, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुरंत ही करके आता हूं। पंडित ने कान पर जनेऊ चढ़ाया और जीप का दरवाजा खोलकर उतर गया। अभी वो पेशाब करके लौट ही रहा था कि एक लड़की की दर्द भरी चीख शांत वातावरण में गूंज उठी। पंडित थरथराते पैरों से चलते हुए आकर जीप में बैठ गया। उसने डरते हुए पूछा, सर क्या आपने भी? मगर ये क्या, बगल की सीट पर अमर सिंह नहीं था। डरते डरते उसने जीप की खिड़की से बाहर देखा। अमर सिंह टॉर्च की रोशनी में एक महल नुमा तीन मंजिला मकान की ओर गौर से देख रहा था। अब उसकी जान में जान आया। अमर सिंह थोड़ी देर बाद जीप में आकर बैठ गया और बोला, पंडित जी उस मकान की ओर जीप बढ़ाइए, हम लोगों को जाकर देखना होगा, लगता है किसी लड़की की जान खतरे में है। क्या सर? सर आप गलत कर रहे हैं सर, आप इस इलाके से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं और इस मकान के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। दरअसल सर ये मकान बहुत सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं बहुत पहले घर के मकान मालिक की लड़की ने छत से कूदकर जान दे दी थी और इस वजह से घर के सभी लोग शहर में जाकर बस गए। लोग कहते हैं
उस लड़की की आत्मा रात में इस मकान में भटकती है सर, और इसीलिए अब वहां कोई डर से नहीं जाता है। पंडित जी, आप डरते बहुत हैं। आप पुलिस की नौकरी में कैसे हैं भाई, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सर, ऐसे तो मैं अमूमन डरता नहीं, पर भूत प्रेत के मामले में। अरे पंडित जी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैंने उस मकान में चीख के अलावा एक तेज रोशनी भी देखी है, जरूर वहां कोई है और लड़की की जान खतरे में है। ना चाहते हुए भी पंडित जी ने जीप ले जाकर उस मकान के गेट पर रोक दी और दोनों टॉर्च लेकर गेट खोलकर मकान की ओर चल पड़े। मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ लटक रहा था। दोनों ने जाम पड़े हुए दरवाजे को, जो एक अजीब सी आवाज के साथ, मुश्किल से खोलकर अंदर चले गए। तभी आहट सुनकर तथा टॉर्च की रोशनी से घबराकर चमगादड़ों का एक झुंड अपनी चीखती आवाज के साथ दोनों के सर के ऊपर से तेजी से दरवाजे से बाहर उड़ गया। पंडित शिवप्रसाद गिरते गिरते बचा। दोनों टॉर्च से हॉल के चारों तरफ मुआयना करने लगे। हॉल के चारों तरफ तीन मंजिला कई कमरे बने थे। सभी जगह गंदगी और मकड़े के जालों का भंडार था। घने अंधकार की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सर, यहां तो गंदगी और अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है। अमर सिंह इधर उधर सरसरी नजरों से देखते हुए कहा, शायद पंडित जी आप ठीक ही कह रहे हैं, मुझे लगा। आखिर चलिए वापस चलते हैं। अभी दोनों दो कदम वापसी के लिए बुढ़े ही थे कि तभी ऊपर के कमरे से एक चीख और साथ में मिली जुली एक अजीबो गरीब गले से दबी दबी छटपटाती आवाज आई, जैसे किसी का गला दबाया जा रहा हो या जैसे किसी का गला रेत कर काटा जा रहा हो। और फिर किसी के छटपटाने की आवाज आई, जैसे पैरों और हाथों को जमीन पर पटकते हुए कोई अपने आप को किसी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अमर सिंह दौड़कर सामने की सीढ़ी से ऊपर की ओर भागा। नीचे पंडित थर थर कांप रहा था, मगर जैसे ही उसके समझ में आया कि वो अब अकेले है, वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने इष्टदेव बजरंग बली का नाम लेकर सीढ़ी की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि वो इस तरह के हालात में अकेले नहीं रहना चाहता था। मगर अब सब कुछ शांत, कहीं कोई आवाज नहीं थी। अमर ने कहा, पंडित जी आप उस तरफ उस कमरे की ओर जाइए और मैं सामने सभी कमरों को देखता हूं। कई कमरा देखने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो अमर सिंह सोच में पड़ गए। मगर तभी बगल के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मुंह से चूस कर कुछ पी रहा हो, चाट रहा हो, मानो कोई जानवर हो। अमर सिंह ने डरते डरते दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला और टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर का दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और डर के मारे उसके हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर पंडित शिवप्रसाद दौड़कर उस कमरे की ओर भागा जहां से उसने इंस्पेक्टर अमर सिंह की आवाज सुनी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई आकृति किसी चीज को घसीटते हुए सामने से गुजरी हो। उसने डरते डरते टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली और जैसे ही आकृति ने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। इधर अमर सिंह ने हिम्मत कर अपना टॉर्च उठाया, मगर अब वहां कोई नहीं था। उसने कमरे से बाहर आकर आवाज लगाई, पंडित जी आप कहां हैं? बहुत आवाज लगाने के बाद पंडित जी की डरी सहमी सी धीमी आवाज आई, सर मैं यहां। अरे पंडित जी, उठिए भाई, आप डरते बहुत हैं। सर, मैंने जो देखा, अगर आप देखते तो। पंडित जी, सच तो यह है कि मेरी भी हालत आप जैसी ही है और अभी भी मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी किसी लड़की पर झुका हुआ था,
उसके दांत लड़की के गाल पर गड़ा हुआ था और चूस चूस कर खून पी रहा था। मेरी आवाज सुनकर जैसे उसने पलटा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका लंबा बाल बिखर कर पूरे चेहरे पर लटका हुआ था। दोनों आंखें अंगार सी चबकती हुई पूरी तरह से लाल थी। दांत और चेहरे पर खून लगा हुआ था। एक वैसी मगर संतुष्टि की झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सर, मैंने भी वही देखा जो आपने, पर मेरा भी दिल ये मानने को तैयार नहीं। दोनों उस मकान में पूरी तरह से उस वहशी बारों को खोजने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर दोनों दिन में आकर छानबीन करने का इरादा कर अपने सुपाहा थाना की ओर चल पड़े। रास्ते में अमर सिंह ने पूछा, यार पंडित जी, क्या उस वहशी मानव का चेहरा किसी से मिलता है? बहुत सोचने के बाद पंडित शिव प्रसाद बोला, सर, टॉर्च की रोशनी में जो मुझे उसका चेहरा एक झलक दिखाई दिया, उस हिसाब से आसपास के गांव में किसी से नहीं मिलता है। दिन में भी मकान में छानबीन के दौरान कुछ नहीं मिला, सिवाय मकान के पीछे क्षत विक्षत लड़की की लाश पड़ी हुई थी और ऊपर वाले कमरे में खून के छींटे थे। क्या था उस रहस्यमयी हवा में तैरती आकृति का रहस्य? आखिर कमरे के अंदर वैश्य मानव कौन था? आगे क्या हुआ, जानने के लिए इंतजार करें इसके आगे की कहानी के लिए।